उधर पटना के रालोसपा प्रदेश कार्यालय को खाली कराने के लिए पुलिस बल पहुंची है। मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस जवान तैनात हैं। आपको बता दें कि रालोसपा प्रदेश कार्यालय को नई बिल्डिंग बनाने को लेकर खाली कराया जा रहा है। जिस जगह पर आरएलएसपी का कार्यालय है वहां पर कमर्शियल टैक्स बिल्डिंग बनाई जानी है। इसको लेकर इस कार्यालय के साथ साथ कई और भवन को भी तोड़ा जाना है। इस बात से प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी किया था, लेकिन आरएलएसपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोई नोटिस नहीं मिला है और चुनाव से पहले पुलिस ऑफिस खाली करवाने पहुंच गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पटना संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल, फिलहाल क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है? क्या खाली कराया जा चुका है या फिर अभी भी पुलिस के जवानों के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक जारी है? जी, बता दें आपको कि आज पटना जिला के आरएलएसपी कार्यालय को खाली कराने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं जिला प्रशासन द्वारा यहां पे एक सरकारी भवन का निर्माण होना था, जिसको लेकर काफी दिन पहले ही ये अल्टीमेटम दे दिया गया था कि भवनों को खाली कर दिया जाए, जिसको लेकर आज एक बार पुनः जो है वहां पे पुलिस बल की तैनाती की गई और जिला प्रशासन द्वारा वहां पे खाली कर तोड़ने का काम भी किया गया। हालांकि इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अभी जो है 48 घंटे का और वक्त दिया गया है ताकि वहां से आरएलएसपी कार्यालय पूरी तरह से खाली हो जाए, उसके बाद तोड़ने की कवायद शुरू हो जाएगी। जिस समय यहां पे तोड़ने की कवायद चल रही थी उसी समय आरएलएसपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध भी किया था, पुलिस के साथ नोकझोंक भी हल्की हुई थी, लेकिन अभी 48 घंटे का उनको अल्टीमेटम फिर से एक बार दे दिया गया है, जिसके बाद से ये पुनः एक बार फिर से तोड़ने की कवायद जो है वो शुरू कर दी जाएगी। अनिल, इस बीच क्या सियासत भी देखने को मिल रही है? क्या बिल्डिंग तोड़े जाने के इस फैसले पर भी अब राजनीतिक पार्टियां आमने सामने आ गई हैं? जी, अगर माने तो वहां पे कार्यकर्ता जो आरएलएसपी के कार्यकर्ता हैं उनका साफ ये कहना था कि सरकार द्वारा किसी तरह का कोई नोटिस नहीं भेजा गया है, और हालांकि इसके जो नियमानुसार जो जमीन के जो कर होते हैं उनको भी उनके द्वारा एक पत्र भेजा गया था कि जुलाई माह तक इनकी अदायगी कर दी जाए। उनका भी पत्र इन्होंने दिखाते हुए साफ ये आरोप लगाया है कि अगर बीते कुछ माह के बाद इलेक्शन आने वाले हैं और सरकार की ओर से ये एक साजिश रची गई है, तो आरोप प्रत्यारोप का जो है राजनीतिक सरगर्मी और भी तेज होते नजर आ रहा है। जी शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका।